योगाभ्यास ही का शरीर शुद्ध होना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रकृति और प्रवृत्ति है। किसी की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है कि पेट पूरा साफ नहीं होता है, तो उसके लिए 5-7 उपाय करने चाहिए। कब्ज को परमानेंट क्योर करना हो तो सबसे अच्छा उपाय है सुबह उठ करके 25 से 50 ml गोमूत्र पीना चाहिए। इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब रिलीज हो जाती है। मैंने कई बार आप लोगों को 2 गिलासों में साफ पानी भर करके, एक में बीटाडीन डाल करके और एक क्लियर पानी रख करके दिखाया, और उसमें बीटाडीन वाले में 1 चम्मच गोमूत्र डाल दिया, वो एकदम क्लियर हो जाता है। हमारी बॉडी भी साफ पानी की तरह होती है। तो योगाभ्यासी का शरीर, इंद्रियां, चित्त, आचरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। तो देखो, जिनको बहुत अधिक लाभ पाना है उनको सुबह उठ करके 25 से 50 ml गोधन अर्क आता है अपने दिव्य फार्मेसी का, वो ले लिया करो। ये कैंसर के लिए भी है, एंटी कैंसरस है ये, और मोटापा वालों के लिए औषधि है ये। जिनको मोटापा है 25 से 50 ml सुबह सुबह ले लो, पूरा शरीर एकदम क्लीन हो जाता है। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसको भी दूर कर देता है। मैंने देखा किसी को लंबे अरसे से कब्ज की प्रॉब्लम थी, बस ये ले रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से कब्ज के लिए परमानेंट औषधि है गोमूत्र, और कोई हानि नहीं। नहीं तो कब्ज की जो दवाइयाँ खाते हैं ना, तो उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है, अंततः आंतें कमज़ोर हो जाती हैं कब्ज की लंबे समय तक दवा खाने से।